दोस्तों आज हम लोग जो जनरेटर है ये 6 KV का है। यहाँ पे देख सकते हैं ईसा का, यहाँ पे देख सकते हैं 6 KV का है। और आज इसका हम जो डीजल फिल्टर होता है ये साफ़ करेंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये खोल लिए हैं, और ये जो पाइप है यहाँ पे देख सकते हैं, एक टंकी है, एक टंकी का पाइप यहाँ पे इसमें बांध दिए हैं। और बाज़ार से मैंने नए फिल्टर को लाए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये लगभग आपको 25 से 30 रुपये में आपको बाज़ार में मिल जाएगा। ठीक है ना, पहले का जो था उसे हमें खोल लिए हैं। तो ये जो है इसको हम पहले देख सकते हैं, ये जो बॉक्स है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसमें आप देखिए, ये हमें न्यू फिल्टर मिला है, और इसके साथ एक रबर है जो यहाँ पे इस तरह सेट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों का पुराना वाला अगर एयर फिल्टर, सॉरी जो डीजल फिल्टर है इसे लगा होगा, तो उसे आप चेंज ही कर दें, उसको साफ़ सफाई ना करें, बल्कि इसे आप न्यू डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जितने सारे टैंकी का जो कचरा है, एक कचरा जो भी मतलब इसमें तेल उल में आता है, तो इससे यहाँ होने के बाद आपको ये ब्रेक नोजल में जाएगा, और नोजल धीरे धीरे नोजल में जाकर फंसता है, और इसके कारण समय कुछ ना कुछ दिक्कत होता है। ठीक है ना, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। आपको कैसे चेंज करना है वीडियो पे बने रहिएगा, हम वो भी बता देते हैं कैसे क्या करना है। और चाहे वो पजरा पाया, चाहे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो आप इसे खोलेंगे तो आपको दो टाइप का यहाँ पर दिखाई देगा। ये सबसे पहले यहाँ पे देखिए ज़्यादा रबड़ है, और एक तरफ कम रबड़ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको जो फिट होगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे लगेगा। ज़्यादा जो रबड़ है इसको ऊपर में रखना है, और ये इस तरफ का यहाँ पे ये जो पैनल है, तो इसको पहले स्प्रिंग होगा इसमें, देखिए ये स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग को पहले यहाँ पे डाल लेना है इस तरह। तो इसे पहले हम साफ कर लेंगे, और साफ करने के बाद फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसे बढ़िया से साफ कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए मैंने इसे बड़े अच्छा से साफ कर लिए हैं, और देखिए ये साफ हो गया बढ़िया से। अब इसको यहाँ से हम एक स्प्रिंग जो होगा ये पहले इसमें डाल देंगे यहाँ पे इस तरह, और डालने के बाद ये जो मैंने बताया था इसको ऊपर में रखना है, तो इस तरह यहाँ पे इसको इस तरह अंदर कर लेंगे हम। तो ये हो गया इस तरह, और इस तरह घुमा घुमा के इसको या फिर ऐसे धकेल देंगे तो ये अंदर चल जाएगा। अंदर आने के बाद यहाँ पे एक जो रबड़ वाशर है यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहाँ पे इस तरह रखना है, और यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, और लगाने के बाद एक जो छोटा नट है यहाँ पे, ये नट को यहाँ पे हम लगा देंगे। उसके बाद ये जो पाइप का तेल होगा, तो इससे आप यहाँ पे
लगा देंगे। तो देख सकते हैं ये पूरा फिटिंग हो गया है और यहाँ पे कोई भी तेल वगैरह रिस नहीं रहा है। तो इस तरह आप भी अपना जो भी जनरेटर है, कोई भी इंजन है, तो सब चेंज कर सकते हैं।